अस्सलाम वालेकुम माय लिसनर्स एंड व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक, बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरी आवाज़ से लग रहा होगा कि तबीयत नहीं है ठीक। तो वाकई कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी और अभी भी नहीं है, खैर हो जाएगी इंशाल्लाह, दुआ कीजिएगा। बस कुछ एलर्जीज़ थी और उसके बाद काम बढ़ गया। खैर आज जो आप लोगों से बात करनी है, ख़ास तौर पर मेडिकल स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स, तो वो ये है कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अगेन जो सदारती ऑर्डिनेंस 2019 था उसको काला दम कह के करार दे के ख़त्म कर दिया, जिसका मतलब है कि पीएमडीसी अगेन बहाल हो गई है और जो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन बना था वो ख़त्म। तो अब बात करते हैं उसके फ़ायदे और नुकसान की। जिन लोगों ने अभी एग्ज़ाम देना था उन लोगों को अगेन 3 स्टेप्स देने पड़ेंगे, और जो लोग सोच रहे थे कि पाकिस्तानी लोकल मेडिकल ग्रेजुएट्स उनके साथ एग्ज़ाम देंगे तो अब ऐसा नहीं होगा। सेकंड चीज़ ये है कि जो पीएमसी का एग्ज़ाम था वो 200 एमसीक्यूज़ का एक एग्ज़ाम होना था, बट अब वो अगेन पीएमडीसी के 3 स्टेप्स होंगे, फर्स्ट स्टेप, सेकंड और थर्ड। यानी पीएमडीसी अगेन पूरी पावर के साथ पोजिशन में आ गई और पीएमसी जो है पाकिस्तान मेडिकल कमीशन वो तहलील हो गया है। तो बस अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़।